acércate más, un poco más. कंचनजंगा यहाँ से कितना खूबसूरत लगता है यार। सो चलो गाइस, अब निकलता हूँ इस जगह को छोड़ के। कुछ इस तरह से आया था मैं, कुछ इस तरह से जाऊँगा। सो गाइस, दिस इज द टॉय ट्रेन। सो इस पे चढ़ने का यार बहुत मन कर रहा है, लेकिन फिर कभी। सो गाइस, अपनी जो बाइक खड़ी है ना, वो खड़ी है इस तरफ, काफी सेफ पार्किंग है यहाँ पे। सो गाइस, अभी अभी सो के उठाऊँ और भाई क्या ही बताओ, इतना ज़्यादा ठंड है ना, पूछो ही मत। तो एक छोटा सा रूम मिला था, हम लोग चार जने हैं इस रूम में, और काफ़ी चीप रेट में मिल चुका था, तो ठीक ठाक सा है, मतलब रहने लायक तो था भाई, इसीलिए ले लिया। तो मैं कोई बड़ी रूम दिखा देता हूँ। ओके गाइस, कुछ इस तरह का है ये रूम। ये कुछ ड्रॉर वगैरह दिया हुआ है बैग वगैरह रखने के लिए, और इधर दिया हुआ है मतलब हेलमेट वगैरह सब उसके अंदर में है। और कुछ इस तरह का बेड है भाई, और ये है टॉयलेट रूम जिसमें कि बंदा घुसा हुआ है। अरे भाई निकल जा यार, कितना हकेगा तू। नो 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 नो, निकलेगा कि तू नहीं, निकल भाई निकल जा। गाइस, सामने में है एक मिरर। ओ भाई, और यहाँ पे एक टीवी भी है गाइस, जिसको एक बार भी यूज नहीं करा हमने। और यहाँ पे है एक मिरर, कुछ इस तरह का दिख रहा हूँ मैं अभी भाई साहब। मतलब ऊपर से लेके नीचे तक पूरा पैक हूं ना, फिर भी भाई साहब मतलब ठंड लग रहा है यार, पूछो ही मत, इतना ज्यादा ठंड लग रहा है। और अभी आपको मैं बाहर का जो है सिचुएशन दिखाता हूँ कि कैसा है भाई साहब। बाहर में ना इतना ज्यादा ठंड है, जो नेक्स्ट लेवल, मतलब उसको बोलते हैं ना नेक्स्ट लेवल, कुछ ऐसा ही ठंड है बाहर में। दार्जिलिंग में ना हमेशा, मतलब मैंने लोकल लोगों से पूछा तो लगे भाई यहाँ हमेशा ऐसी ठंड रहता है। वो हो सके कि मार्च और मई जून में वगैरह में थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन ठंड तो रहता है भाई। सो गाइस, इतना ज्यादा ठंड है ना भाई, जो बोला ही मत। और मेरा जो अभी तो मुझे मफलर लेना भाई पहले, एंड देन शूज़ वगैरह, सॉक्स वगैरह भी लेना है। तो भाई सब काफ़ी ज़्यादा ठंड है, और मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। मतलब कुहासा इतना, तो फॉग वगैरह तो नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम इज दिस कि भाई सब हवा जो है ना बिल्कुल चीरने वाली हवा चल रही है यहाँ। सेकेंड प्रॉब्लम इज दिस कि भाई मैं कोलगेट तो लेके आया हूँ, लेकिन ब्रश भूल गया। बताओ यार, अभी तक ब्रश नहीं करा मैंने। और बाय द वे, अभी टाइम हो रहा है लगभग 9:00 होंगे सुबह के, और पहले तो जाता हूँ भाई मैं ब्रश लेके आता हूँ। कैसे प्राइस है? इससे अच्छा और ब्रश नहीं है क्या? इससे अच्छा वाला ब्रश। सो हर नमस्ते, सत श्री अकाल, बताओ क्या हाल चाल, वेलकम बैक टू दी चैनल एवरीवन। सो गाइस, अभी मॉर्निंग में उठ के पहले तो मैंने सोचा कि भाई व्लॉग स्टार्ट किया जाए। सो व्लॉग मैं स्टार्ट कर चुका हूँ, और बाय द वे अभी ठंड इतना ज़्यादा है ना, जो मैं क्या ही बताऊँ। सो ये सारा अपना सामान पड़ा हुआ इधर, और अभी इस रूम को कंटिन्यू करने वाला हूँ आज। मैंने सोचा था क्या कि इस रूम को छोड़ के दूसरा रूम ले लूँगा। और आज जो ना गाइस, आज दार्जिलिंग का लोकल एरिया में घूमने वाला हूँ, और सब कुछ एक्सप्लोर करूंगा, आप लोगों को भी दिखाऊंगा, काफी मजा आने वाला है व्लॉग में। तो बस देखते रहिए, मजे लीजिए, और हाँ, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को हो सके तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। सो गाइस, अपनी जो बाइक खड़ी है ना, वो खड़ी है इस तरफ, काफी सेफ पार्किंग है यहाँ पे। और पार्किंग का जो 100 रुपये करके लिया था, वैसे मैं जो रुका हूँ ना जिस होटल में, तो वो आपको मैं दिखा देता हूँ। वैसे होटल का नाम है ना श्री गणेश, नाम है श्री गणेश होटल, और ये जो है रिलायंस डिजिटल है ना सामने में, उसके जस्ट सामने में ही है। और अभी जो है ना 1 जनवरी था, 1 जनवरी की वजह से मतलब काफ़ी ज़्यादा ना रश रहता है इन सब एरिया में। तो अगर आप ऑफ सीजन में आएंगे, तो ऑफ सीजन में तो यार उससे भी कम प्राइस में मिल जाएगा आपको रूम वगैरह। तो हाईली रिकमेंड, अगर यहाँ आते हो ना, तो आप श्री गणेश होटल में रुक सकते हो। सो गाइस, इंजन जो है ना पूरा ठंडा चुका है। सो गाइस, राइट नाउ वी आर लिविंग टूवर्ड्स रॉक गार्डन। ओके, तो रुका क्यों बे। सो गाइस, फाइनली दार्जिलिंग की गलियों में बाइक को दौड़ाते हुए। और रात में जो गाइस व्यू है ना नीचे वाले एरिया का, इस तरफ मतलब मेरे राइट साइड जो है, इतना खूबसूरत व्यू होता है ना उसका, जो मैं क्या ही बताऊं। सो गाइस, ये जो पटरी देख रहे हो ना, तो ये है टॉय ट्रेन वाला पटरी, और इस पे जो है टॉय ट्रेन चलता है। टॉय ट्रेन से आप काफ़ी जगह जा सकते हो, लाइक घूम नाम से एक जगह है, उसके बाद सोनतला वगैरह, ये सब जगह जो है टॉय ट्रेन से आप जा सकते हो। तो टॉय ट्रेन पे तो इस बार नहीं चढ़ पाऊंगा आई थिंक, क्योंकि समय हम लोगों के पास, टाइम जो है ना वो ज़्यादा है नहीं। और ये जो है ना गाइस बहुत रिस्की होता है, अगर आप इसमें तिरछे तरह से अगर चढ़ गए ना, तो ऑटोमेटिक आप स्किड कर जाओगे। लेकिन भाई
सही से चलाना पड़ता है, वो खास करके जो रोड पे जो पटरी इस तरह से जाता है ना, उस चीज़ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे एक पेट्रोल पम्प भी है, भारत पेट्रोलियम करके, दार्जिलिंग में। एक्चुअली बस पेट्रोल पम्प का बहुत ही प्रॉब्लम है, आपको जहाँ पेट्रोल पम्प दिखे वहाँ से पेट्रोल भरा लो गाइस। और अभी सुबह के बज रहे हैं 10:20, और भाई क्या मज़ा आ रहा है, मतलब ऐसे टेरे मेरे रास्ते में बाइक चलाकर। और पहाड़ देखो गाइस, मतलब आपको मैं किसी अच्छे से जगह पे रुक करके तो दिखाऊंगा, ओके। क्या खूबसूरत लगता है यार। भाई साहब लुक एट दिस मैन। सो गाइस एक्चुअली आप यहाँ से देखो क्या नज़ारा है यार, आई डोंट नो कि आपको भाई साहब यहाँ से तो बड़ा खाई भी है, आगे आगे मत जाना, खाई है बहुत बड़ा। सो व्यू देखो यार, कसम से इसको मैं फ़ोन से रिकॉर्ड करके तो आप दिखाता हूँ। सो गाइस ये जो प्लेस देख रहे हो ना, और ख़ास करके ये वाला पहाड़, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको, ये वाला तो ये है गाइस कंचनजंगा, और पूरा का पूरा ना गाइस बर्फ़ से ढका हुआ है ये पहाड़, यहाँ से लेके ये पूरा जो है पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है। मतलब यार कैमरा ना इस चीज़ को जज नहीं कर पाएगा गाइस, अगर आप खुद से देखोगे ना अपने आँखों से तो आपको फील होगा कि हाँ भाई कुछ तो है ये। लुक एट दिस, फुल मैंने जूम कर रखा है। सो गाइस लीविंग दिस ब्यूटीफुल प्लेस। सो गाइस नीचे की ओर जाना पड़ेगा रॉक गार्डन के लिए। ओ भाई साहब बिल्कुल नीचे की ओर जाना पड़ रहा है। यहाँ पे अगर किसी का ब्रेक फेल हुआ गाइस तो ये ठोकेगा उसको, वो ठोकेगा सामने वाले को, फिर ऐसे ही चलते रहेगा ये प्रक्रिया। सच बताओ तो बिल्कुल अभी पहाड़ से नीचे की ओर जाते जा रहा हूँ, दार्जिलिंग पुलिस लाइन। ओके ये है दार्जिलिंग पुलिस लाइन बिल्कुल पहाड़ के नीचे। और यहाँ पे एक फील्ड है, अच्छा गाइस ऊपर से जो है ना यही वाला फील्ड दिख रहा था एक्चुअल में, तो मैं भी सोच रहा था कि यार ये फील्ड इस तरह का इतना बड़ा पहाड़ों पर कैसे हो सकता है। ओ भाई निर्मल पूरा नीचे उतरना पड़ रहा है, दिख रहा है पूरा, चरने के टाइम पे कैसे चरोगे यार, चरा जाएगा, उतरने के टाइम पे तो उतर रहा हूँ लेकिन जब चढ़ूंगा ना उस टाइम पे हालत ख़राब हो जाएगा बाइक का। और वैसे इधर ऑल्टो ड्राइवर ना कतई कमाल कर रखता है भाई, इतना खतरनाक कट मारेगा ना पहाड़ों पे पूछो ही मत। गाइस यहाँ से तो कंचनजंगा का व्यू तो और भी कमाल का आ रहा है, आई डोंट नो एक्शन कैमरा जज कर पा रहा होगा या नहीं इस व्यू को, इस कमाल से सीनिक व्यू को। और ये टेरे मेरे रास्तों को कवर करते हुए गोल 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 घूमते हुए विदाउट एक्सलेटर में बाइक चल रहा है, सिर्फ मैं स्टार्ट करके रखा हूँ, मन कर रहा है बंद कर दूँ बाइक को, कुछ पेट्रोल बच जाएगा। सो गाइस लुक एट दिस वैली मैन। ओ भाई पूरा फुल ब्रेकिंग कर रखा मैंने, क्या ही खूबसूरत लग रहा है। और उस टाइम से जो है ना नीचे उतरा जा रहा हूँ तो उतरा जा रहा हूँ, अभी भी इतना डीप जा रहा हूँ ना, ये सब मेमोरेबल रहने वाला है गाइस, सब मेमोरेबल रहने वाला है। सो गाइस अभी जो है इंजन जो है ऑफ कर दिया मैंने, और बस ऐसे ही चलते रहूँगा, देखता हूँ कहाँ कहाँ तक चले जाता हूँ। पास में ही ना अब रोड बहुत डेंजर है यार कसम से, जाना क्या लोग जा रहा है ना, बाइक लेके ऊपर चढ़ना प्रॉब्लम हो सकता है थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा यार, टर्निंग सब में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगा।
सो गाइस प्रॉब्लम इज दिस कि मेरे साथ जो बाइकर था ना, तो भाई उनका बाइक हो चुका है ब्रेक डाउन, मीन्स उसका पीछे वाला डिस्क वर्क नहीं कर रहा और धुआं निकल रहा है उससे। आई डोंट नो आगे क्या होगा, काफ़ी नीचे भी उतर चुका है वो और ऊपर जाने में प्रॉब्लम भी हो रहा है उसको। लेट्स सी क्या होता है। उनका बाइक तो ब्रेक डाउन हो चुका है, तो मैंने एक लोकल बंदे से पूछा कि भाई यहाँ से रॉक गार्डन कितना दूर है, तो उन्होंने बताया कि बिल्कुल पास में ही है। तो मैं सोच रहा हूँ कि जाके सिर्फ घूम के देख के आ जाता हूँ, उसके बाद उसका बाइक को जो है किसी तरह से शोरूम पे ले जाना पड़ेगा एंड देन फिर ठीक वगैरह करके फिर निकल जाना होगा। सो गाइस आई थिंक रॉक गार्डन पहुंचने ही वाला हूँ अब, क्योंकि लेकिन बाइक कहाँ लगाऊंगा, इसी चीज़ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है गाइस। ओके वहाँ पे पार्किंग मेरे को दिख रहा है, तो पहले तो वहाँ लगाता हूँ बाइक को एंड देन फिर इधर आऊँगा। वाओ लुक एट दिस व्यू मैन, यहाँ पे लिखा है नो पार्किंग, बट पार्किंग देखो गाइस, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। सो गाइस बाइक हमने यहाँ पे पार्क कर दिया है, वैसे ये नो पार्किंग एरिया बट सारे लोग लगा रहे तो मैंने भी लगा दिया। सो गाइस कुछ इस तरह का टिकट मिलता है, ओके 20 रुपीज़ ओनली। सो गाइस लुक एट दिस वाटरफॉल मैन, काफ़ी कूल लग रहा है। वैसे मैं अभी ऊपर जाने वाला हूँ और देखता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं, फटाफट से, मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है इसीलिए मैं जल्दी से एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। सो गाइस हमने यहाँ पे कुछ फोटोज तो क्लिक कर लिया है, बेसिकली यहाँ पे एक वाटरफॉल है और अब जो है आगे को निकल रहा हूँ। चलो भाई चल 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 फटाफट से चल, टाइम बहुत कम है अपने पास। सो अभी ऊपर साइड जा रहा हूँ, ऊपर साइड पता नहीं क्या क्या है, देखता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ। चलो फिर। सो गाइस लुक एट दिस, ये वाला जो आप देख रहे हो ना, वो जो वाटरफॉल था ना, तो वो वाटरफॉल जो है इधर से आता गाइस। सो यहाँ पे कुछ फोटोज वगैरह भी क्लिक करना चाहता हूँ, लेट्स सी। तो चलो यहाँ पे भी फोटोज वगैरह क्लिक करता हूँ। सो गाइस सच बताओ ना भाई साहब, एक तो हवा बिल्कुल चीरने फाड़ने वाली चल रही है और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा। वैसे ज़्यादा टाइम तक यहाँ पे रहूँगा नहीं, बस घूम लिया थोड़ा बहुत जो भी था। वैसे इस साइड जा सकता हूँ ऊपर इस तरफ, लेकिन मैं जाना नहीं चाहता भाई साहब, चल चल के हालत ख़राब हो चुका है। अब सीधा निकलूँगा ऊपर की तरफ, मतलब रूम पे स्टे करूँगा एंड देन भाई कल मॉर्निंग को निकल जाऊँगा। सो गाइस बाल का जो है ना हालत बिल्कुल बुरा हो चुका है, अपना भी हालत बुरा हो चुका है। निर्मल भाई कैसा फील हो रहा है? बहुत बढ़िया बढ़िया, ठंड से बिल्कुल हालत खराब है और बहुत बढ़िया ठिठोड़ रहे हैं भाई। सो गाइस अब इस प्लेस को, इस ब्यूटीफुल सा रॉक गार्डन को छोड़ के जाने का टाइम आ चुका है, तो अभी अपन लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। खाली नहीं होगा आई थिंक। चिकन में एकदम रेडी है, गरम गरम चिकन फ्राई राइस में क्या है, चिकन अंडा चिकन वेज। सो गाइस अभी जो अब निकल रहा हूँ यहाँ से, लिविंग दिस ब्यूटीफुल रॉक गार्डन। ओके भाई साहब अब तो बिल्कुल चढ़ाई ही चढ़ाई है, ऊपर तक पूरा का पूरा फुल चढ़ाई। ऊपर में एक टी गार्डन है, वहाँ पे भी थोड़ा सा रुकूंगा और कुछ फोटोज़ क्लिक करके निकलते रहूँगा। ओ भाई ऐसा लग रहा है ठंड नहीं मिर्च लगी हो, ऐसे कर रहा हूँ मैं। सो गाइस लुक एट दिस, यहाँ पे तो सेकंड गियर लग ही नहीं रहा भाई, फर्स्ट गियर में ही चलाना पड़ रहा है। चल बेटे चल उठ जा उठ जा उठ जा, यही है टी गार्डन, यहाँ पे रुकोगे क्या? हाँ तो यहाँ पे रुकता हूँ, थोड़ा बहुत फोटोज क्लिक करता हूँ और फिर निकल जाऊंगा भाई। टी शॉप है यहाँ पे, लोगे चाय वगैरह, चाय पत्ती वगैरह कहाँ पे?
अपना रूम ब्लॉक के पास। ओ, उसके पास। लुक एट दिस व्यू मैन, ये जो है चाय पत्ती का पौधा बोलो, पेड़ बोलो, जो बोलो, वो लगा हुआ है। यहाँ पे फोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हो, तो चलो कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करवाता हूँ एंड देन फिर निकलता हूँ। सो गाइस, इस ब्यूटीफुल सा टी गार्डन को भी बाय बाय करने का टाइम आ चुका है, तो अब देख सकते हो कंचनजंगा यहाँ से कितना खूबसूरत लगता है यार। सो चलो गाइस, अब निकलता हूँ इस जगह को छोड़ के। कुछ इस तरह से आया था मैं, कुछ इस तरह से जाऊँगा। सो गाइस, दिस इज द टॉय ट्रेन। सो इस पे चढ़ने का यार बहुत मन कर रहा है, लेकिन फिर कभी कैसा साउंड कर रहा है, मज़ा आ रहा है लेकिन साउंड सुनने में, सिटी बजा रहा है जो। और ये देखो गाइस, ये भी टॉय ट्रेन है। यस, ये भी टॉय ट्रेन ही है।